हेलो एवरीवन, सो आगे हमारी एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले कि मैं अनरियल के इंजन की मीटअप में गया था बॉम्बे के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बैठ के पालनपुर से GSRTC बस में, फिर यहाँ पे हम पहुँच गए थे यहाँ पे अहमदाबाद। तो मुझे जाना था वडोदरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अहमदाबाद में बहुत सारी बसों का ट्रैफिक हो चुका था, फिर वजह हम अहमदाबाद वडोदरा हाईवे। तो यहाँ पे इतना हाईवे स्ट्रेट है ना कि आप अगर आपके पास सुपर कार्स या कोई भी कार्स हो तो यहाँ पे आप मस्त चलाने में मज़ा आएगा आपको। तो ये हाईवे ज़रूर देख लेना। फिर हम 650 को यहाँ पे हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके थे वडोदरा के नज़दीक। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे डुमान चौकड़ी, जो वडोदरा के स्टार्टिंग में आती है। उसके बाद मुझे यहाँ पे हर्षिक लेने आने वाला था, तो यहाँ पे मैं उसको ढूंढ रहा था और वो फिर मुझे मिला। और फिर हम दोनों चले गए स्टार बाज़ार, उनको कुछ सामान चाहिए था बेसिक करके खाने के लिए। तो ये रहा हर्षिक और हम यहाँ पर सामान ढूँढ रहे हैं, और सामान लेने के बाद हम चले उसके नए घर पे। तो ये रहा उनका नया घर, हर्षिक और उन लोगों का नया घर, मतलब जहाँ पे रहते थे उन्होंने चेंज करके यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे देखो बाहर भी सोफा है, यहाँ पे इतना मस्त बड़ा सा रूम है। और अभी इतना नहीं है, और सुनो, और यहाँ पे देखो ये रहा हर्षिक ये है किसका रूम है, नवदीप का रूम है, ये है हर्षिक का रूम। क्या बात है, क्या बात है, इधर इधर सब इधर। और ये है यहाँ पे सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, यहाँ पे है ये विवेक का रूम है, देखो भाई सबके पर्सनल पर्सनल रूम हो चुके। और ये है रसोई, यहाँ पे लोग खाना बनाते। ये है गैलरी बाहर जाने के लिए। तो मस्त ये इन लोगों ने नया वाला घर लिया, पहले से तो बहुत अच्छा, आपने पुराने वाले व्लॉग में देखा होगा। ये देखो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे ये प्रोटीन पाउडर का, मतलब प्रोटीन पाउडर को यूज़ करके रोटी बना रहे हैं भाई। ये ऐसा कैसे, तुम कैसे बनता है खाना है ऐसा कैसे भाई, प्रोटीन पाउडर से भाई जिम वाले बनते हैं ये लोग सब लोग। और यहाँ पे देखो चाचा यहाँ पे दाल बनाते हुए, अरे वो कर लिया है ऐसे, वीडियो में बताना नहीं होता, सीक्रेट रिवील कर देते हो यार तुम तो। और ये बॉडी बिल्डर देखो, ये प्रोटीन पाउडर का मेन इंसान। और आप कब से जिम चालू करने वाले हो, कब से जिम चालू करने वाले हो, नहीं करना शरीर है बाहर का वो बात सही है, वैसे नेचुरल बॉडी होनी चाहिए चलो हम भी ये रूल फॉलो करेंगे, नेचुरल बॉडी। और जी ये देखो ये प्रोटीन से बना रहा है खाना, ये देखो प्रोटीन से रोटी बना रहा है। तो यहाँ पे खाने के बाद हम रात को घूमते घूमते यहाँ पे चाय पीने चले गए। और रात को हमारे 3:30 बजे की ट्रेन थी, तो हम यहाँ पे थोड़ी देर सो गए। और उसके बाद यहाँ पे 2 बजे उठ के हम पहुँच गए स्टेशन पे। फिर स्टेशन पहुँच के हम एसी रूम में बैठे अपने ट्रेन की वेटिंग की, और ये रही हमारी टिकट। फिर यहाँ पे हमारी ट्रेन आ चुकी थी 3 बजे, और 3 बजे हम ट्रेन के अंदर बैठे। यहाँ पे 5 मिनट लेट थी वैसे ट्रेन, वैसे वो तो हमेशा होता ही है, कोई नहीं आगे बढ़ते। फिर हम पहुँच गए सुबह यहाँ पे बॉम्बे, और बॉम्बे में आपको यहाँ पे व्यू देखिए, यहाँ पे कोई अंकल खड़े थे या पता नहीं, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सोचा कि थोड़ा सा सीन रिकॉर्ड कर लेते हैं बॉम्बे का। तो ये रहा धारावी ऐसा सीन यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे भीड़ देखो भाई, मतलब सुनी थी मैंने कि इतनी सारी भीड़ वहाँ पे होती है, वहाँ पे जाके देख भी ली। वैसे मैं दूसरी या तीसरी बार आया था यहाँ पर पहली बार जब भी आ रहा था तभी इतनी भीड़ नहीं थी। तो यहाँ पे हम उतरे थे बांद्रा स्टेशन के ऊपर, तो वहाँ से हमको जाना था अंधेरी वापस। तो यहाँ पे हम ढूंढ रहे थे लोकल की ट्रेन की टिकट कहाँ से लें, तो वहाँ पे हमने ढूंढ ली, फिर बैठ गए हम लोकल ट्रेन के अंदर। सो जाके फिर हम उतरे वहाँ पे अंधेरी। तो यहाँ से मैं और राज भाई आ चुके थे अंधेरी, और विवेक जाने वाला था दूसरे एक्सपो के अंदर। तो हम दोनों यहाँ पे 10:50 के आसपास यहाँ पे पहुँच गए थे, और हमारा जो मीटअप था वो था 12 बजे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ली थोड़ी सी सेल्फी, यहाँ पे बैठे बैठे थोड़ी देर हमने 2 घंटे यहाँ पे मस्त बस स्टॉप पे स्पेंड किया, और ऑब्जर्व कर रहे थे कि कैसे लोग होते हैं, फिर क्या होता है, मतलब अपने आसपास क्या होता है। फिर यहाँ पे हम पहुँच गए मीटअप के अंदर। तो मैं मीटअप की बात करता हूँ, यहाँ पे आप लोग को शॉर्ट ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि मीटअप के अंदर हुआ क्या और क्या होता है। तो यहाँ पे मीटअप के अंदर बेसिकली वो अनरियल वाले अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं कि हम लोग ये करते हैं। फिर यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं एक दूसरे के कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करते हैं और दूसरे के प्रोफेशनल के बारे में बात करते हैं। तो इससे क्या है, जितना भी होगा अपनी कम्युनिटी बढ़ेगी और एक दूसरे की जान सकते हैं कि लोग क्या क्या और कितना क्या कुछ कर रहे हैं। तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी मीटअप की। और यहाँ पे मीटअप हमारा स्टार्ट हो चुका था। तो सबसे पहले मीटिंग में टॉपिक था कि अनिल का इस्तेमाल ज़्यादातर VFX और वो मूवी एडिटिंग के लिए होती है। तो ये एक कंपनी थी जो अपने प्रोडक्ट बनाते थे जो VFX और उसके लिए बहुत कुछ हेल्प करता था। तो ये देखिए वीडियो,
तो अभी यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे उनके बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट भी थे जो यहाँ पे VFX और वीडियो एडिटिंग में बहुत हेल्प कुछ कर रहे थे। उसके बाद हम बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ जो उन लोगों ने दिखाया। अगर मैं आपको बहुत सब कुछ दिखाने जाऊंगा तो यहाँ पे बहुत हमारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए हम इतना सारा चीज़ नहीं देखेंगे। तो अभी हम डायरेक्ट बात करेंगे, यहाँ पे एक कॉलेज स्टूडेंट का ग्रुप था जिसने अनरियल का इस्तेमाल करके एक 3D गेम्स बनाई थी, FPS गेम थी। तो आप ये वाली उसकी क्लिप्स देखो। यहाँ पे अनरियल के और बहुत सारे यूज केस थे, यहाँ जैसे कि VR, तो VR के बड़े से यूट्यूबर है वहाँ पे, उनसे बात की, मतलब कम्युनिकेट किया सब लोगों ने एक साथ। और फिर उसके बाद फिर और भी बहुत सारे जितने भी उसके यूज केस थे हमने वहाँ पे यूज केस देखा, एनिमेशन कैसे यूज़ होता है, फिर बहुत कुछ चीज़ें हमने देखी। तो फिर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं अपनी मीटिंग और फिर चलते हैं यहाँ पे बात। तो यहाँ पे हमको मस्त अनरियल की टी शर्ट्स मिली और यहाँ पे हमको मस्त उन्होंने नाश्ता करवाया। फिर यहाँ पे हम चलते हैं अंधेरी की, और अंधेरी यहाँ पे हम बाज़ार में बस ऐसे घूम रहे थे और यहाँ पे ये रहा अंधेरी प्लेटफॉर्म। तो आज मुझे पता चला इसको अंधेरी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा अंधेरा है इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से, तो इसको अंधेरी इसलिए कहते हैं। मैं ऐसे ऐसा लग रहा हूँ, पता नहीं है। सो फिर यहाँ पे मैंने भीड़ देखी भाई, मतलब कि जो लोग चढ़े थे, जो अंदर वाला बंदा चिल्ला रहा था मेरे को बाहर दे निकलने, तो भाई लिटरली देखा कि हाँ भाई कितनी भीड़ होती है। मतलब हमको तो ट्रेन बहुत अच्छी खाली मिल गई थी, ये हो रहा था ऐसा, चीज़ें भी हो रही थी जहाँ से बहुत भीड़ भी थी। फिर यहाँ पे हम निकल पड़े वलसाड की ओर, और जो वलसाड वाला ब्लॉग है वो भी छोटा सा टूर जैसा है, तो 2-3 मिनट का ही होगा, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, अभी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।